बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं, उन्होंने यहाँ आर्मी में बर्तन मांजे हैं, रोटियां पकाई हैं, आर्मी की सेवा की है, और आज उनकी इस तरह दुखद उनको घटना होना, मार दिया जाना, आप देखो कितने गरीब परिवार के लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, उनको अब पालन पोषण की उनकी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हम तो सौदेबाजी नहीं करते, जो चले गए उन बेचारों ने वापस नहीं आना, आगे से ऐसी घटना ना हो। जो लोग इसके लिए दोषी हैं, सबसे पहले तो ये है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कानूनी कार्रवाई है उनके ऊपर होनी चाहिए, FIR लाज होनी चाहिए, इमीडिएट वो लोग अरेस्ट होने चाहिए। उसके बाद जो डिमांड्स यहाँ से आई हैं कि 50 लाख रुपया एक एक फैमिली को मिलना चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड, कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए भी और परिवार वालों को, अगर 50 लाख मिलेगा तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। दूसरा वो छोटे छोटे बच्चों की जो है उनका उनकी एजुकेशन के लिए कम से कम बच्चे बालिग होते हैं, उनकी एजुकेशन का जिम्मा जो है वो सरकार उठाए, आर्मी उठाए, और तीसरा जो उनकी वाइफ से दोनों की उनको एक गवर्नमेंट जॉब दी जाए, और जो तीसरा भी बेचारा जिंदगी और मौत के बीच में जूझ, उन्हें टारगेट किया जाएगा। सर नीचे बैठो। आर्मी ये नहीं जानती किस हद तक हमने वेपन यूज करना उनके ऊपर, सही बात, किस हद तक हमने टारगेट करना, किसको टारगेट करना, क्यों करना, कब कौन सी सिचुएशन में करना है, आर्मी ये जानती नहीं, आर्मी के जो नौजवान ये जानते नहीं, आए दिन यहाँ से कोई सैर करने के लिए निकलेगा, कोई घूमने के लिए निकलेगा, कोई रात को अपने कोई बीमार हो जाता है घरों से निकलेगा तो उसको टारगेट किया जाएगा, किलिंग की जाएगी। इसके खिलाफ सबसे बड़े पैनल पे ये कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पता चले आने वाले वक्त में ऐसी किलिंग ना हो, और आप इंक्वायरी होनी चाहिए। बाकी ये पैसे की बात है, एज पर कानून, एज पर लॉ जो कहता है हमारे कानून से, हमारे जो हमारा हिंदुस्तान का कानून है उसके अकॉर्डिंग उन्हें सजा भी होनी चाहिए, डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी होनी चाहिए, सजा भी होनी चाहिए, और जो कंपनसेशन की बात है इमीडिएटली वो दी जाए, ताकि ये गरीब बच्चे थे, हमारे गरीब कौम के लोग थे, यहाँ पर 10 सालों से काम करते थे, 10-15 सालों से आर्मी उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई कि ये हमारा मुलाजमान है।